तक शिक्षकों की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, वो सारी चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं और जो भी शिक्षक नेता हैं, जब सदन खत्म होगा तो सबको बुला करके जो है उनसे बात की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। कितनी अच्छी पहल है कि भाई संवाद हो रहा है, एक प्रधानमंत्री है, किसान बेचारा रगड़ता रह जाए नाक रोड पर, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता। पहलवान, जो महिला पहलवान है, जो ओलंपिक्स देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में मेडलें जीत के लाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज़ को प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ माहौल अलग है, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है, सब लोग को बुला के राय लिया जाएगा, उनकी भी राय को जानेंगे समझेंगे और नियमानुसार जो काम होगा बिहार के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, वो हम लोग निर्णय लेंगे। और हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरियां बहालियां निकल रही हैं। अब जल्दी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट पे पब्लिक हेल्थ कैडर लाने जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग जो है पक्का नौकरी जो है सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो इन लोगों को इन मुद्दों से तो लेना देना नहीं है, बेकार की बातें करना। जहाँ तक मेरी बात है तो ये कोनो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त को, कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। और एक महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो है लोग जो है चार्जशीट में लाएगा। यूके 24 में डर है, भय है, और जो महाजुटान लोगों का हो रहा है और पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है तो उससे घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अब जाने वाली है, ये जनता की मांग और पुकार है देशवासियों। आप निशाने पर कब नहीं थे।